सर्वाइकल में ऐसा होता है कि गर्दन है ना इतनी यहाँ से एक साइड में मेरे इस साइड में, तो यहाँ पे सूजन रहती थी पूरा, यहाँ से बहुत ज्यादा सूजन और दर्द, ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, जैसे सीधा नहीं देख सकते, क्लास में भी बैठे होते हो ना तो ऐसे बैठे बैठे आधे घंटे एक घंटे से ज्यादा, फिर मैं ऐसे 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 पैरों को कभी सीधा कभी हाथ को ऐसे, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, नीचे गर्दन करके भी देख नहीं पाते, बहुत ज्यादा दर्द होता है सर्वाइकल में। बोले इतने डॉक्टर दिखा दी, इतनी दवाई दिला दी, घर वाले सब परेशान थे, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है ध्यान करने की वजह से। सबसे ज्यादा मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे हर बात पे इतना गुस्सा आता है कि मैंने लैपटॉप फोड़ चुकी हूँ मैं गुस्से में, मेरे घर वाले बोलते आग लगे जाए कई हो ही है। ध्यान से सबसे ज्यादा शांति और मेरे सर्वाइकल, ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया और नहीं होता अभी दर्द मुझे। हाँ अगर मैं छोड़ देती हूँ तो होने लग जाता है, बाकी मैं कंटिन्यू 3 महीने से तो मैं कंटिन्यू ध्यान करती हूँ। मेरा नाम अनुराधा शर्मा है, जानते होंगे सर बोलते रहते हैं ना, ये अनुराधा शर्मा जी है। मुझे क्या सर्वाइकल की दिक्कत थी, यहाँ से सूजन आ जाती है और कितने 2 साल से मैंने पंकज सैनी है ना, हाँ उनका इलाज लिया है और डॉक्टर ब्रह्म, हाँ डॉक्टर ब्रह्मपुरी में भी है सर एक, वो अच्छा क्या नाम है उससे रिटायर्ड है, हाँ मतलब वो भी एक सीनियर डॉक्टर है जिनसे आपने सर्वाइकल आर्मी से रिटायर्ड है, वो ऐसे करते हैं एक्सरसाइज करवाते हैं, और फिर मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी है ना वहाँ पे 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया था जी। वो ऊपर नीचे करने का गर्दन ऊपर नीचे, ठीक है उससे भी सही नहीं हुआ, 2 साल हो गया मुझे। फिर मैंने 3 या 4 महीने हुए अभी मुझे ये करते हुए ध्यान करते हुए, तो मतलब थोड़ा अभी अच्छा फील होता है, मतलब ये भी ठीक है दर्द नहीं होता, वरना मैं क्लास में पढ़ भी नहीं पाती थी सारा दिन ऐसे ऐसे, कभी ऐसे करती कभी सीधी बैठती कभी हाथ ऐसे करती सारा दिन, और मैं मम्मी आ रही है मेरे तो दर्द हो रही है, मेरा भाई बोलता तू नाड़ कटवा दे थारी, यार मैं पैर को क्या कहीं करना है, तू नाड़ कटवा रख दे साइड में रख दे यार। बोले इतने डॉक्टर दिखा दी इतनी दवाई दिला दी, घर वाले सब परेशान थे, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है ध्यान करने की वजह से। सबसे ज्यादा मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे हर बात पे इतना गुस्सा आता है कि मैंने लैपटॉप फोड़ चुकी हूँ मैं गुस्से में, मेरे घर वाले बोलते आग लगे जाए कई हो ही है, मैं जाऊंगी नहीं तुम्हारी छाती में मुंह दड़ूंगी मैं एक भी। मुझे गुस्सा नहीं आता अभी बिल्कुल भी नहीं आता, किसी ने कुछ भी कर दिया मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब हर बात पे इतना गुस्सा करती थी मैं कि बस या तो मैं इसको मार दूं या इसके माथे में मर जाऊं, बस घर वालों को भी इतना गुस्सा करती थी मैं, घर वाले बोलते थे आग लगे जाए कई हो ही था रो क्या संभाल इतना घर वाला। फिर अभी मेरे गुस्से में भी बहुत 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 ज्यादा सबसे ज्यादा शांति, तो ये सब ध्यान से हुआ है, सिर्फ ध्यान से। हाँ। सबसे ज्यादा शांति और मेरे सर्वाइकल, ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया और नहीं होता अभी दर्द मुझे। हाँ अगर मैं छोड़ देती हूँ तो होने लग जाता है, बाकी मैं कंटिन्यू 3 महीने से तो मैं कंटिन्यू ध्यान करती हूँ। हाँ। रोज सुबह सुबह और शाम को दादाजी आते हैं देख के जाते हैं, भाई पढ़ रही है क्या, मैं ध्यान कर रही होती हूँ, कहीं कर रही है मैं ध्यान कर रही हूँ, बोलते ध्यान करे मैंने भी बता, मैं बोलती हूँ आओ बैठो, फिर ये दिखा के उनको भी ध्यान करो, उनके क्या वो थोड़े बूढ़े आदमी है ना 73 साल के, वो तो उनसे भी मैं बोलती हूँ ध्यान करो, तो उनसे भी करवाती हूँ मैं ध्यान, वो सुबह शाम दोनों टाइम मेरे पास आते हैं कमरे में देख के इसी ध्यान से, बोले पढ़ रही है, मैंने कहा नहीं पढ़ नहीं रही ध्यान कर रही हूँ मैं, बोलते हाँ नहीं तो ध्यान करो ना तो गुस्सा तो कम करवा लागी, मैंने कहा हाँ दादाजी वो सब ध्यान की वजह से है, फिर भी करा करो फालतू बातें नहीं चालो दिमाग के अंदर, तो ये मुझे आप भी करा करो बहुत शांति मिलती है। और अच्छा अभी भारत में लाखों लोग सर्वाइकल से पीड़ित हैं, लाखों, और जैसे जैसे मोबाइल कल्चर बढ़ रहा है, इस क्लास में बैठे होंगे भविष्य के सर्वाइकल रोगी है ना, हाँ। तो आप सर्वाइकल थोड़ा बताओ क्या होता था उसमें और अब क्या हो गया, सर्वाइकल पे बताओ थोड़ा सा। हाँ। सर्वाइकल में ऐसा होता है कि गर्दन है ना इतनी यहाँ से एक साइड में मेरे इस साइड में, तो यहाँ पे सूजन रहती थी पूरा यहाँ से, बहुत ज्यादा सूजन और दर्द, ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, जैसे सीधा नहीं देख सकते, क्लास में भी बैठे होते हो ना तो ऐसे बैठे बैठे आधे घंटे एक घंटे से ज्यादा, फिर मैं ऐसे 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 पैरों को कभी सीधा कभी हाथ को ऐसे, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, नीचे गर्दन करके भी देख नहीं पाते, बहुत ज्यादा दर्द होता है सर्वाइकल में, तो ठीक है मेरे उससे ध्यान की वजह से, ये सब ध्यान की वजह से।
आपको योग हुआ स्वतः इसी हिस्से का? हाँ, मेरी गर्दन का योग होता है, और अभी मुझे दीर्घ श्वास होती है जिससे बहुत शांति मिलती है, वो वाला प्राणायाम हो रहा है मतलब आपको, जिससे गुस्सा नहीं आता मुझे, और मेरे सर्वाइकल की दिक्कतें ठीक ही होगी। ताली बजाओ उनके लिए। देखो,